और अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की। अगर आने वाले समय में आप बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगे तो हो सकता है आप एक नए रास्ते से जाएं, जिसकी खोज हाल में कर ली गई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों को तलाशा जा रहा है और इसी कड़ी में इस बार गौरीकुंड से इतर रास्ता ढूंढ निकाला गया है। आपको बता दें, चमोसी खाम बुगियाल का ये रास्ता पुराने रूट से छोटा और आसान है। सबसे बड़ी बात ये दावा ये किया जा रहा है कि इस रूट पर भूस्खलन का खतरा भी नहीं है। पुराने रास्ते से ये 2 किलोमीटर छोटा है, यहाँ हेलीकॉप्टर सेवाएं भी सुचारू तौर पर जारी रह सकती हैं। सुझाव आया था कि कुछ रास्ता ऐसा है जो चौमासी से होते हुए केदारनाथ जी तक जा सकता है, लिंचोली बिना गए ऊपर ऊपर से, तो उसकी फिजिबिलिटी के लिए एक टीम भेजी गई थी। टीम ने रास्ता देख लिया है, टीम की रिपोर्ट अभी आ रही है, तो अब रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि वो जो रिपोर्ट दी गई है वो फिजिबल है कि नहीं है। अगर फिजिबल पाया जाता है तो कार्रवाई करने के लिए सक्षम स्तर से विचार होगा इस पर। और नए रास्ते की तलाश के लिए गए रेकी दल की तस्वीर भी अब आपके सामने। नए रूट से जुड़ी जानकारी इन तस्वीरों के साथ जो सामने आ रही है वो आपको बता दें कि केदारनाथ का नया और ये पुराना रूट आखिर है क्या। इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में नए और पुराने रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से समझ लीजिए, जहां देखिए कि किस तरीके से इस पुराने रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पुराने रूट की शुरुआत रुद्रप्रयाग से मानी जाए तो इसके बाद अगस्त्य मुनि और फिर गुप्त काशी के बाद हम सोनप्रयाग पहुंचते हैं। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड और लिंचोली होते हुए केदारनाथ। अब यहां से श्रद्धालुओं को दुर्गम रास्तों और पहाड़ से होते हुए जिस तरीके से गुजरना पड़ता है उस लिहाज से खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर देखा गया है। इसीलिए अब खबर नए रूट को लेकर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इस नए रूट की जो शुरुआत है वो गुप्त काशी से होगी और उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए कालीमठ, उसके बाद 10 किलोमीटर का सफर तय करते हुए चामोसी गांव और फिर 7 से 8 घंटे का ये सफर तय करते हुए केदारनाथ पहुंचने में आसानी हो सकती है। तो केदारनाथ के इस नए रूट को लेकर जिस तरीके से फिलहाल खबरें सामने आ रही है, आपको बता दें देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नजर।